पीछे वाले खुल के कर सकते, वहां तक कैमरा नहीं जाता। सुनो, हमें किसी ने बताया कि आप पहले इंस्टाग्राम पे थी नहीं, दिलजीत पाजी ने आपको बोला कि इंस्टाग्राम पे आओ। नहीं, मैं थी पर मैं बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं करती थी। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि यूज इसके बहुत फायदे भी हैं, हम अपनी बेस्ट खुद ही पीआर कर सकते हैं सोशल मीडिया। हैं? अच्छा, तभी आप लगी रहती हो इंस्टाग्राम पे सारा दिन। यहाँ पर तो तू किसी और को कुछ लेने देता नहीं, इससे हमें इंस्टाग्राम पर जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, बंगले बन गए मड आइलैंड में आपके। बात क्लैरिफाई कर दूं, मैं तो बंगला लिया था मैंने 20 साल पहले। हाँ, जब मैंने ये शो ज्वाइन किया 3 साल पहले। हाँ, तो वो तब किस्तें तो अभी चल रही है ना। वहाँ पे गुरदास मान साहब का बंगलो भी है ना। हाँ, वो ज्यादा जाते नहीं उधर। हाँ, तो एक दिन दीवार फाड़ के कब्जा कर लिया उन्होंने। ताला नहीं खोलती, कहती ये इलीगल है। इसमें क्या है, टाप के चली जाऊंगी मैं। एनीवेज, पल्ला साहब मैं आपको बताऊँ, कॉमेडी तो कमाल की करते ही है। ये खुद प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी में बहुत देर तक। इनकी वाइफ जो है वो भी टीचर हैं, पिताजी भी इनके टीचर हैं। भाजी, आपके घर में जब बच्चा होता है स्टूडेंट भी बनता है कि सीधा टीचर ही आता है? भाजी बात बताओ, जब आप आदमी कॉमेडी करता है ना उसको सीरियसली कम ही लोग लेते हैं, आपके स्टूडेंट्स लेते थे आपको सीरियसली? सीरियसली ऐसा है, जब मैं किसी क्लास ले रहा था एम्बेसी की, कोई स्टूडेंट थी। अच्छा, जब ट्रिमेस्टर। थैंक यू। एम्बेसी में जब वीजा लगवाने जाते हैं, कई बुजुर्गों को नहीं इंग्लिश नहीं आती होती, ट्रांसलेटर देते ना। वो एक माता वाला किस्सा था ना, जो जाना चाहती अमेरिका बाहर, तो वो सुनाओ जरा थोड़ा सा। वो सही बात है अर्चना जी, हम लोग जब पहले जाते थे ना वीजा लेने, तो सामने इंटरव्यू करते थे आपको। अब तो प्रोसेस काफी चेंज हो गया उनका। तो हमारे गाँव की एक बुजुर्ग लेडी, अब इंग्लिश आती नहीं है और पता भी नहीं है सामने से क्या पूछा जा रहा है। अब उसको सामने से पूछ रहे, कहते कहाँ जाना चाहते हैं आप? कहाँ जाना चाहते? अमेरिका। अपना स्लैंग होता है अमेरिका को, है ना? अमेरिका। खड़े हैं साथ में तो वो बता रहे हैं, माता जी वो पूछ रहे हैं किस काम से जाना है आपको, है ना? ये जेड़ा अपना राजू दा मुंडा नहीं बड़ा बिल्ला, ओदे मुंडा होने वाला है। इस ऑफिसर ने इंग्लिश में कहा कि देन व्हाई यू वांट टू गो देयर, देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स। तो उसने बोला, वो कह रहे हैं कि वहां पे बहुत डॉक्टर्स हैं, आपको क्या जाके करना है वहां पे अगर उसके बेटा होने वाला है? तो कह रहे होंगे डॉक्टर, जो माइयां कर लेती हैं वो डॉक्टर नहीं कर सकते। उसने कहा कि वो वीजा ऑफिसर कह रहे हैं कि इस आधार पे आपको वीजा नहीं दिया जा सकता। कह रहे दे दोगे वीजा तो अच्छी बात है, वरना बेटे ने टिकट तो करा रखी है, फिर बिना वीजे के ही चले जाए। अच्छा, बीनू पाजी ना बहुत अच्छे भंगड़ा डांसर है एक्चुअली, उसके बाद ही एक्टिंग में आए। तो लोगों ने पाजी आपकी एक्टिंग देखी थी या भंगड़ा देख के बोला था कि नहीं आप एक्टिंग में जाओ? भंगड़ा देख के बोले थे, कहते इधर आ जाओ। सीरियस रोल बनते नहीं थे पाजी, कुछ होता ही नहीं था। तो ऐसा था, सब लोग जब हम लोगों ने एमए थिएटर एंड टेलीविजन की, तो सब लोग बोले कि वहाँ चलो, मुंबई मक्का मदीना है हमारे लिए, सब वहाँ जाओ जी। मुझे लगा वहाँ जाके क्या करेंगे, क्योंकि जान पहचान तो है नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सीरियल वगैरह चलने लगे भाजी, थोड़ा थोड़ा सीरियल वगैरह चलने लगे। उसके बाद जैसे मैं बताता हूँ, पहले पहली बार मुझे एक दिन के पूरे 750 रुपये मिले थे भाजी। हैं? 750 रुपये किस चीज के? सीरियल के। अच्छा जी, कौन से साल की बात है? 99। काफी थी पेमेंट यार। हाँ जी, पर वो महीने में 2-3 दिन होते थे भाजी। हमारा जो हीरो था ना, सबसे बड़ी बात तो भी अभी तो चलो फिल्मों की वजह से लोगों को पता चल गया कि ये बंदा पंजाबी है, रिश्तेदार इनसे पूछ रहे हैं कि ये अंग्रेज को 8 फेट तो नहीं है इसका फुल नेम। अरे कॉमेडी करके कभी फंसे हो आप कहीं जगह? कभी होता ना कि हम लोग की इंटेंशन किसी की नहीं रहती किसी को भी, क्योंकि हमें हंसाना है लोगों को। कभी कभी होता ना कि लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। कर लेते हैं जी, बहुत बार ऐसा होता है, कहते कुछ है समझ कुछ लेते हैं। पल्ला साहब कहाँ आप, अमृतसर में की बात है? वो तो तब की बात है जब हालात पंजाब के बहुत खराब थे जी। उस वक्त रात को कर्फ्यू लग जाता था, ट्रेनें बंद हो जाती थी और बसें नहीं चलती थी।
इतने पैसे भी नहीं होते थे कि कहाँ जाएं, तो ऐसे में अमृतसर में फंस गया। तो मैंने कहा भी रात कहाँ काटी जाए, तो मैंने सोचा भी यार इतना टीवी पे आते हो, फिल्में करते हो, सीरियल करते हो, कोई तो पहचानेगा, ये कब काम आएगा, किसी से जान पहचान बढ़ाओ। मैं किसी के घर में गया, दरवाजा खटखटाया, हाँ जी, मैंने कहा जी मैं टीवी पे आता हूँ। कहना हमने कब रोका है, आई जाओ। जी गल ये है कि मैं लुधियाना से आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है, मैंने रात काटनी है, अगर आप मुझे टीवी पे पहचानते हो तो मुझे एक कमरा दे दो, मैं कोने में सो जाऊंगा। ऐसे कैसे को आपको कमरा दे दें, आप अजनबी हो, हम आपको जानते नहीं है, ये बहू बेटियों का घर है, हम कैसे दे दें। उसने बोल दिया, मैं बाहर आ गया, किसी और का दरवाजा खटखटाया, फिर वो बाहर आया, हाँ जी, मैं कह जी रात काटनी है, अगर आप मेरे को पहचानते हो तो मुझे को एक कमरा दे दो, ये बहू बेटी का घर है, ऐसे कैसे अजनबी को कमरा दे दे, कोई और घर देखो। फिर मैं सोचूं भी मुझे तो वही कमरा देगा, घर देगा रहने के लिए जिसके घर बहू बेटियां ना हो। इतने शहर में कैसे पूछा जाए, देखा जाए कि इसके घर में बहू बेटियां नहीं है। फिर मैंने दूर देखा, एक फार्म हाउस जैसा था, छोटी सी लाइट जग रही थी, मैंने दरवाजा खटखटाया, एक पहलवान सा बाहर आया, पूछा हाँ क्या चाहिए तुमको। नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ यही पूछना है आपके घर में बहू बेटियां हैं। तो आपने क्या करना है, मैंने कहा रात काटनी है। उसके बाद मुझे नहीं पता रात इतना फेंका उन्होंने मेरे को, तो अल्फाज ऐसे फिसल जाते हैं कई बार। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पल्ला साहब की ये भी है कि इन्होंने चाहे क्यूज देने हो या कुछ भी हो, कैमरा फेसिंग होनी चाहिए इनकी। मतलब एक जब कैरी ऑन जट्टा 2 का क्लाइमेक्स हम शूट कर रहे थे, सोना मेरे पीछे बाइक पे बैठी थी, सब चेज हो रही थी, सब पीछे पीछे अपने, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई स्कूटर पे, सब पीछे पीछे है। तो पल्ला साहब और उपासना जी पीछे वाले स्कूटर पे थे, पल्ला साहब जोर जोर से आवाजें मार रहे हैं, गिप्पे पाजी की होया, कैमरा कितने आ। मैं कहा पाजी ड्रोन शॉट चल रहा है, ऊपर है हली हली। अच्छा इनका इनका था कि इन्होंने आवाज मारी थी जस रुक जा, तो अब ये बोल रहे हैं जस रुक जा।